सबसे पहले मैं महाराष्ट्र राज्य किसान सभा को धन्यवाद देता हूं, आपको ये यहां बुलाया इस मंच पे और ये अपॉर्चुनिटी दिया आप लोग से बात करने को। और ऑब्वियसली ये बहुत सेंट्रल सवाल है कि इस कोविड वाला लॉकडाउन वाला क्राइसिस में कृषि का क्या हालत होगा और आने वाले महीने में क्या होगा और शेतकरी और शेत मजदूर का उनका क्या, उनको क्या होने वाला है आने वाले महीने में। और महाराष्ट्र में भी बहुत कुछ हो रहा है विच वी नीड टू टॉक अबाउट। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कॉर्पोरेट मीडिया पे डिस्कशन चल रहा है और जो सरकार की तरफ से जो डिस्कशन चर्चा चल रहा है, आप देखिए कितना नॉन सीरियस है कृषि की तरफ। अभी प्रधानमंत्री ने 6 भाषण दिया लाइव नेशनल। पहला 4 भाषण में ये शब्द प्रवासी मजदूर वो शब्द नहीं सुना उसमें, पहला 4 भाषण में। सब हमने बहुत सब चिल्लाएगा तो चिल्लाया तो 5वां भाषण में उसको मेंशन किया, लेकिन अब तक वो पहला 5 भाषण में जो शब्द है कृषि संकट वो अब तक आया नहीं। पिछले 6 साल में वो शब्द नहीं लिया और अभी ये लॉकडाउन की क्राइसिस में अब तक वो इसके बारे में कुछ नहीं कहा। मीडिया की तरफ से देखिए इसको, गलत सवाल और गलत जवाब पूरा माइग्रेंट संकट पे चल रहा है। सब मीडिया में मार्च 26 से आज तक डिस्कशन चल रहा है कि ये प्रवासी मजदूर शहर छोड़ के वापस क्यों गया। मुझको ये कहना है कि ये गलत सवाल है। क्यों वापस चल रहे हैं हम सबको जानते हैं, वो उनको जानते हैं, हमको जानते हैं कि क्या ट्रीटमेंट मिलता है शहर में, क्या ट्रीटमेंट मिलता है कि मालिक लोग से, तो क्यों नहीं वापस जाएगा। जब ऐसा एक संकट निकलता है क्यों नहीं जाएगा, तो वो सवाल इट इज अ रॉन्ग क्वेश्चन। सही सवाल ये है, सही सवाल ये नहीं है कि शहर छोड़ के वापस क्यों जा रहा है गांव में। सही सवाल यह है कि वो पहले गांव क्यों छोड़ के शहर में आया, वो पूछ लीजिए सवाल। अगर और वो सवाल का जवाब क्या है, क्यों निकला वहां से, कृषि संकट, एग्रेरियन क्राइसिस के बिना डिस्कशन चल रहा है। माइग्रेंट प्रवासी मजदूर, माइग्रेंट लेबरर पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा फ्लो हुआ, माइग्रेशन हुआ, सिर्फ गांव से शहर तक नहीं, गांव से गांव, जिला से जिला, राज्य से राज्य, अर्बन से अर्बन, ग्रामीण से ग्रामीण, 6 तरफ हो रहा है हमारा प्रवासी मजदूर का जर्नी। और उसमें 2-3 टाइप है माइग्रेशन जो सेंसस में नहीं दिखता है, जो नेशनल सैंपल सर्वे में नहीं दिखता है, तब भी नंबर्स आते हैं कि क्या 140, 200, 149 मिलियन, 1,500 लाख लोग माइग्रेंट्स कहता है, प्रवासी मजदूर कह सकते हैं, और इंटरस्टेट माइग्रेंट्स 5 करोड़ 8 करोड़ से ज्यादा, कम से कम 8 करोड़ है, 5-8 करोड़ है। किसी के पास ये नंबर्स भी नहीं है, लेकिन एक डिस्कशन चल रहा है, कवरेज चल रहा है मीडिया में, ऐसा है। सवाल ये है वो लोग
1991 के बाद मिड 1990s से गांव क्यों छोड़ के यहां आया, शहर में, दूसरा जिला में, दूसरा गांव में? आप लोग सब जो किसान भाई और बहनों हैं अभी जो सुन रहा है इस ऑडियंस पे, आप लोग सब जानते हैं कि सिर्फ गांव से शहर नहीं, बहुत सारा लोग जब रबी का फसल आते हैं या खरीफ का, वो एक गांव छोड़ के दूसरा जिला में, एक दूसरा गांव में जाके उसका हार्वेस्ट फसल टाइम में कुछ दिन मिलता है काम, इस बार वो नहीं जा पाई। तो सवाल, अगेन मैं कह रहा हूं कि सवाल यह है कि वो पहले क्यों छोड़ के आया, गांव पहले क्यों छोड़ा? इसलिए कि 1991 से जो हम कहते हैं नया आर्थिक नीति, अभी नया नहीं है, 30 साल पुराना है, होने वाला है 30 साल, वो 30 साल में क्या क्या नीति, क्या क्या पॉलिसी लिया हमने कृषि को, खेती बाड़ी को, किसान वर्ग को क्या पॉलिसीज लिया, उसमें देखो क्या हुआ। जितना मैंने अभी 3 साल पहले जो 2018 में और उससे पहले भी बहुत बार किसान सभा की मंच से मैं ये कह चुका हूं कि ये जो कृषि संकट था पहले, अभी कृषि संकट से बड़ा हो गया, अभी हम कह सकते हैं कि ये समाज की संकट है, अभी हम कह सकते हैं कि ये एक सभ्यता की संकट है। इसलिए कि हमारा सभ्यता किस पे बेस है, फैमिली फार्मिंग पे बेस पे है, और एक इंसानियत की संकट है। कोई रोया नहीं कि अरे ये लोग क्यों गांव छोड़ के यहां आ रहा है, जब वो निकल गया हम रो रहा है, मध्यम वर्ग का लोग रो रहा है कि अयो वो क्यों जा रहा है वापस, इसलिए कि हमारा नौकर चले गई, इसलिए कि हमारा फैक्ट्री में अभी काम नहीं हो सकता है, इसलिए कि वो प्रवासी मजदूर चले गए। 1991 से जो पॉलिसीज लिया, जो नियो लिबरल पॉलिसीज कहते हैं या जो नया आर्थिक नीति कहते हैं, जो भी कहो उसको, उसमें क्या निकला किसान वर्ग को? 1995 से 2017 तक, वो 22 साल में 315,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुका है, लेकिन उस संकट पे कोई रोया नहीं। जो मीडिया वाला कहता है कि ये लोग एग्जैजरेट कर रहा है, कॉम्पनसेशन के लिए कर रहा है, अभी जब वो क्राइसिस, जब वो संकट शहर पे पहुंच गई और हमारा नौकर लोग, हमारा गुलाम सब भाग गए, अभी हम रो रहा है। लेकिन जब देहात में वो कृषि संकट चल रहा था और इतना लाख लोग तक आत्महत्या कर रहा था, वो सवाल नहीं आया कि क्या हो रहा है यहां पहला। तो हमको ये देखना है सिर्फ ये 3 महीने में ही नहीं, पिछले 30 साल में क्या हुआ कंट्री साइड में, ग्रामीण भारत में क्या हुआ पिछले 30 साल में, सिर्फ कृषि नहीं। अब सेंसस देखिए, सेंसस 2011 में किसान वर्ग जो फुल टाइम काम करते हैं उसको सेंसस में मेन कल्टीवेटर कहते हैं, मेन कल्टीवेटर, वो 1991 से 2011 तक ऐसा गिर गई किसानों का संकट, फुल टाइम मेन कल्टीवेटर का संकट कितने कम हो गया 20 साल में किसान का संकट, शेतकरी का संकट 20 साल में
150 लाख कम हुआ। उस समय कोई ये नारा नहीं उठाया, ये मेन स्ट्रीम मीडिया में या सरकार में क्या हो रहा है, वो बोला ये अच्छा है। कुछ लोग बोला कि ये अच्छा है, खेती में काम नहीं है, कृषि में काम नहीं है, तू उनको आने दो शहर में, हाँ काम मिलेगा उनको और हमको नौकर और गुलाम मिलेगा। ये हुआ। अभी वापस जा रहा है जहां काम नहीं है, जहां उसका ऑक्यूपेशन खत्म हो गया, इसलिए कि पिछले 30 साल में जितना लाइवलीहुड, जितना जीवन हमने खत्म कर दिया आर्थिक नीति की वजह से। सिर्फ किसान नहीं, सिर्फ शेतकरी नहीं, शेत मजदूर, फिर जुलाहा, बी कलेक्टर, फिशरमैन, पॉटर, कुंभर, मिस्त्री, ये सब उनका काम गांव में खत्म हो गया, इसलिए कि कृषि संकट इतनी बढ़ गई, किसान के हाथ पे कोई स्पेंडिंग पावर, परचेसिंग पावर नहीं था। जब एग्रीकल्चरल और एग्रेरियन इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, लोग निकल गया वहां से, या बहुत सारा किसान, बहुत सारा शेतकरी शेत मजदूर बन गया, वो भी आप सेंसस में देख सकते हैं। एक तरफ सेंसस में 2011 में मेन कल्टीवेटर किसान का संकट गिर रही है, एक तरफ दूसरा कॉलम में शेत मजदूर का जनसंख्या बढ़ रही है। अभी बोलो 2 करोड़ लोग और वापस जाएगा तो क्या काम मिलेगा? अभी थोड़ा काम है इसलिए कि खरीफ का काम शुरू हो गया, उसके बाद क्या करना है, इसको क्या करना है उसके बाद? आपका प्रधानमंत्री 6 भाषण किया, इसके बारे में एक शब्द नहीं कहा, एक शब्द नहीं बोला, और बहुत सारा पैकेज अनाउंस किया। एक जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारामन जी, उसने कृषि के लिए पैकेज अनाउंस किया। जो पैकेज उसने अनाउंस किया आपके लिए, प्रोफेसर आर रामकुमार टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छी तरह से आपको दिखाया, हाँ बहुत अच्छी तरह से आपको दिखाया कि जो नया बोल रहा है, जो बोल रहा है कि आपका आपके लिए पैकेज बनाया, वो सब पुराना पैकेज है, सब पुराना पैकेज है। जो पुराना स्कीम है उसको नया नाम डाल के, एक बार एक में पैसा थोड़ा ज्यादा, 2-3 प्रोग्राम में पैसा कम भी कर दिया उसका ओरिजिनल प्रोग्राम का, और इसको बोल रहा है कि, और ये बोल रहा है कि देखो हम किसान वर्ग के लिए क्या क्या कर रहा है, ये नया पैकेज आया, नया पैकेज। तो ये सरकार का एटीट्यूड है, और कॉर्पोरेट मीडिया का एटीट्यूड भी ये है। सबसे इंपॉर्टेंट वो बोल रहा है कि देखो हमने अभी एपीएमसी मार्केट कमेटी को हमने लिबरेट कर दिया, अभी जो भी किसान चाहते हैं मराठवाड़ा में उनका शुगर केन लेके, गन्ना लेके, या विदर्भ में कपास लेके, किसी भी मार्केट में जा सकते हैं और बेच सकते हैं। जो 85% छोटा और मार्जिनल किसान है इस देश में, आपका बैलगाड़ी लेके क्या आप मद्रास में जाएगा आपका कपास बेचने के लिए, या आपका गन्ना बैलगाड़ी पे डाल के आप जाएंगे मध्य प्रदेश में और कहीं पंजाब हरियाणा में? ये जोक भी नहीं है, इतना बड़ा ट्रेजेडी है। इसका किसान का फ्रीडम नहीं है इस एपीएमसी में जो नया किया है, और वो भी पुराना था, अभी आगे ले लिया वो कानून।
ये कॉरपोरेट जगत के लिए किया है। मैंने 100 बार कह चुका हूं, कृषि संकट इस देश में, 5 शब्द में हम कृषि संकट का समझ कर सकते हैं। वो 5 शब्द क्या है? कॉरपोरेट हाईजैक ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जो भारत का खेती बाड़ी, भारत का कृषि, भारत का एग्रीकल्चर कॉरपोरेट जगत के हाथ में चली गई, हाईजैक हो गई, वो है आपका कृषि संकट। और आगे बढ़ रहा है इसको, एपीएमसी में कौन कंट्रोल करेगा? अभी स्टेट कंट्रोल नहीं है, आप स्टेट गवर्नमेंट को कुछ नहीं कह रहे। कॉन्स्टिट्यूशन में एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है और कुछ मार्क्स हैं, जो कुछ फीचर्स हैं जो कॉमन लिस्ट पे आते हैं। सरकार को यह कहना, नीति आयोग को यह कहना कि इंटर स्टेट ट्रेड वो सेंट्रलिस्ट है, तो हम जो भी कर चाहते हैं कर सकते हैं वहां। अभी राज्य सरकार का ताकत भी कम हो जाएगा इसमें, आप प्रोटेस्ट में जाएगा तो कहां जाएंगे आप? अभी कॉरपोरेट जगत पूरी तरह मार्केट्स को कैप्चर कर रहा है, ये है, ये उनका नया पैकेज है। आपको और महाराष्ट्र तक पहुंच जाइए। और मैं इस समय मैंने एक अपील करता हूं किसान भाइयों और बहनों को, मैं पिछले 3 महीने में जितनी जगह, पता नहीं कितना जगह मैं बात कर चुका हूं किसान के साथ इस 3 महीने में, यही अपील कर रहा हूं, ये फूड सिचुएशन बहुत खतरनाक है और 3 महीने 6 महीने के बाद हम कोई भी नहीं कह सकते हैं कि क्या कितना डिटोरिएट होगा स्थिति फूड में। और कैश क्रॉप जो कहते हैं हम, जो रबी में देखो क्या हुआ, अब तक कितना प्रोडक्शन, कितना फसल ऐसा ही पड़ा है, कितना फसल ऐसा ही पड़ा है जिसको बेच नहीं सकता है किसान, उसको कोई मदद नहीं मिला। मैं बहुत डर रहा हूं कि फिर खरीफ में लोग 100% कैश क्रॉप डालेगा, तो ये बहुत बड़ा डर है, बहुत बड़ा वरी है मेरा। अगर पूरा कैश क्रॉप करेंगे, पूरा आपका विदर्भा में 7 एकड़ एवरेज है ना, मराठवाड़ा में एवरेज होल्डिंग है 5 एकड़ करीब, अगर वो 5 एकड़ 100% गन्ना पे डालेंगे, या ये विदर्भा में 7 एकड़ 100% आप कपास डालेंगे, मेरे ख्याल में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। अभी भी रबी का फसल पड़ा है विदाउट सेल, फिर वो ही गन्ना, वो ही कपास डालेगा तो कौन खरीदेगा? आप देखिए, नंबर देखिए, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से, सीसीआई से आप देखिए, महाराष्ट्र का टोटल प्रोडक्शन था कपास 2019-20 वो साल में, फाइनेंशियल ईयर में महाराष्ट्र का टोटल प्रोडक्शन हुआ 400 लाख क्विंटल, मतलब 80 लाख बेल कपास, 5 क्विंटल एक बेल बनते हैं रफली। अभी वो 400 लाख क्विंटल में 80 लाख क्विंटल वहीं पड़ा है, सेल नहीं हुआ है। हर कपास वाला किसान शेतकरी के घर में आप देखो रूफ तक पड़ा है उसका कपास। खरीदा, ये नहीं है कि सीसीआई नहीं खरीदा और राज्य सरकार नहीं खरीदा, वो खरीदा, लेकिन उनका कैपेसिटी भी अभी डाउन हो गया, कैपेसिटी नहीं है, पैसा नहीं है। सीसीआई में बहुत, पता नहीं कितना लाखों क्विंटल उनके पास है, जो पेमेंट किया भी कृषि को, लेकिन और कितना लाखों क्विंटल कृषि के, शेतकरी के हाथ में है।
ये कौन खरीदने वाला है। और अभी ये भी अनाउंसमेंट आया है पंजाब और हरियाणा में, वहां का किसान सोच रहा है, वो लोग इस साल पैड़ी छोड़ के, हाँ, राइस पैड़ी छोड़ के वो भी कॉटन डाल रहा है। और पंजाब और हरियाणा में पैड़ी तो छोड़ के, क्यों वो पैड़ी क्यों छोड़ रहा है, वो बोल रहा है कि पैड़ी बहुत पानी लेती है, पानी बहुत डाउन हो रहा है हमारा, सही है, पैड़ी पानी लेती है और डाउन हो रहा है उसका, और इसलिए हम कॉटन पे जाएगा। जो हम पिछले 20 साल में देख चुका है महाराष्ट्र में, आपका बीटी कॉटन कम पानी लेते हैं क्या, कम पानी लेते हैं नहीं, ज्यादा पानी लेते हैं। जो आपका देसी कपास था वो बहुत कम लेती है, लेकिन वहां डालने वाला है, और अगर वो भी 100 लाख क्विंटल बनाएगा, 100 लाख क्विंटल का फसल लेगा, या 100 लाख बेल तक भी ले सकते हैं पंजाब हरियाणा में, वो ले सकते हैं। फिर हमने 400 लाख 300 लाख जो भी है खरीफ में भी हम ले सकते हैं। कौन खरीदने वाला है? पूरा दुनिया में इनकम क्रैश हो गया, कंजम्पशन क्रैश हो गया। जो पिछले सालों में हमने एक्सपोर्ट किया कपास, अभी इस साल कैसा हो सकता है वो एक्सपोर्ट? सरकार ने आपको मदद नहीं करेगी। पिछले साल 2018-19 साल में हमने 50 लाख जावंडिया साहब, जो विजय जावंडिया साहब है नागपुर में, उसने ओपनली कहा हमको, पिछले साल 50 लाख क्विंटल कपास हमने एक्सपोर्ट किया। कौन सा मार्केट में? वो 50 लाख क्विंटल में आधा से ज्यादा हमने एक्सपोर्ट किया चीन को। वी एक्सपोर्टेड मोर देन हाफ आर कॉटन टू चाइना। इस साल वो हो सकता है? आप देखो इंडिया चाइना का रिलेशन क्या है अभी, हाँ, यहां सब टिकटॉक और जो भी है वो सब ऐप्स अपने बैन किया, वो क्या आपका कपास लेंगे? अभी बहुत बड़ा डाउट है, मेरे ख्याल में नहीं होगा, या बुरी प्राइस, हॉरिबल प्राइस में होगा, बहुत कम वाली प्राइस में जाएगा, और वो जितना आपने एक्सपोर्ट किया पिछले साल वो नहीं होने वाला है। और ये सब पड़ा है ये कपास, और खरीफ में भी 100% कपास डालेगा तो क्या प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप बताइए। गन्ना पे वही है, पता नहीं कितना लाख क्विंटल मिल में पड़ा है, किसान के पास पड़ा है, कड़ा है। इसलिए मेरा अपील ये है कि आपके पास जो 5 एकड़ है या 7 एकड़ है, उसमें मेरे प्रेफरेंस है कि पूरी तरह आप फूड क्रॉप डाल दीजिए, पैड़ी नहीं चाहिए, आप मिलेट्स, ज्वार, बाजरा ये सब ले सकते हैं, 1 एकड़ पे करो, आपकी खुद आपके परिवार के लिए, उनकी फूड सिक्योरिटी के लिए, किसान भाई और बहनों के उनकी फूड सिक्योरिटी के लिए कुछ तो आप लीजिए, 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़। मेरा प्रेफरेंस है कि इस सीजन पूरा आप फूड क्रॉप पे कॉन्सेंट्रेट करो, लेकिन वो नहीं होने वाला है, कोई मुझको सुनता नहीं इसके बारे में, लेकिन 2 एकड़ आप प्लीज आपके परिवार का फूड सिक्योरिटी के लिए सोच के आप ज्वारी या बाजरा या ऐसा कुछ डालो। मैंने वो पंजाब किसान को मैं भी कहा, हाँ ठीक है आप पैड़ी छोड़ दिया, ठीक है पैड़ी बहुत पानी ले रहे हैं, लेकिन कपास क्यों लेते हैं? अभी आप मिलेट्स ले लो, वही बाजरा वहां, और ज्वारी, रागी जो भी है, बहुत सारा मिलेट्स है जो बहुत कम पानी लेते हैं। जितना पानी आपको चाहिए 1 एकड़ गन्ना को पैदा करने के लिए, उसमें आप 12 एकड़ ज्वारी, 12 एकड़ ज्वार ले सकते हैं उसी पानी में। और
ये भी सोच लीजिए फिर, और देखो या अभी गन्ना और कॉटन कुछ आप रख सकते हैं कुछ महीने के लिए, कॉटन तो कुछ महीने के लिए, गन्ना और आगे भी थोड़ा रख सकते हैं, बहुत सारा दूसरा कैश क्रॉप जो पेरिशेबल कहता है, वाटरमेलन, तरबूज, ये सब खेत पे पड़ा है, कोई लॉजिस्टिक्स सपोर्ट नहीं आया सरकार से, और अभी कह रहे हैं कि ठीक है एनआरईजीएस में काम करेंगे, एनआरईजीएस में काम बढ़ाएंगे, लेकिन अगर हम मार्च अप्रैल महीने देखते हैं पिछले साल से भी कम हुआ, अभी मई जून में बहुत बढ़ गई, क्यों बढ़ गई, इसलिए कि बहुत सारा लोग वापस गया और खरीफ सीजन, उसके बाद क्या काम होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई वहां। अगर हम नरेगा को 6 या 10 गुना बड़ा नहीं कर सकते हैं, इस संकट को हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं, और खराब स्थिति बनने वाला है, तो मैं कह रहा हूं कि आप नरेगा को बढ़ा दो प्लीज, और उसको लिंक भी करो कृषि के साथ। हाँ, मतलब आप अगर एक परिवार उनको उनकी लेबर भी डालते हैं, हम कहते हैं कि आप जोवार करो, और जोवार के लिए एमएसपी होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुख्य डिमांड है, नॉन फूड क्रॉप जो हमारा देसी फूड क्रॉप है उसका भी एक अच्छा एमएसपी होना चाहिए, रागी, बाजरा, जोवार, उसके लिए एक अच्छा एमएसपी होना चाहिए। अभी देखो आपका कपास भी कैसा जा रहा है, जितना भी खरीदा वो सरकार ने ही खरीदा, सीसीआई ही खरीदा, प्राइवेट ट्रेडर, प्राइवेट व्यापार बहुत कम किया इसलिए इस बार, और वो उसको जितना प्राइस था वो भी कम करने वाला था, लेकिन सीसीआई का प्राइस 5,500 पर क्विंटल वो प्राइस लेके किसान दिया है सीसीआई को, लेकिन तब भी उनका फेडरेशन का एस्टिमेट है कि अभी भी 4,500 करोड़ कपास जो बेच नहीं सका वो ऐसा ही पड़ा है, 4,400 करोड़ ऑफ अनसोल्ड कॉटन। तो जो संकट आ रहा है, जो संकट है अभी, जो संकट था पहले 3-4 महीने में, ये तीनों जुड़ेंगे, ये तीनों एक संकट हो जाएगा। तो मेरा अपील है कि कुछ सोच के आपके परिवार का फूड सिक्योरिटी के बारे में सोच के थोड़ा सा आप अभी भी 1-2.5 एकड़ इसके लिए फूड क्रॉप के लिए रख लीजिए। और देखिए और देखो हमको जब हम मेरा पत्रकार भाई जयदीप हर्डिकर इसके ऊपर एक इतना इम्पोर्टेंट स्टोरी किया हमारा वेबसाइट पे पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया, जो वेबसाइट मराठी में भी पब्लिश करते हैं, मराठी में भी आती है, हिंदी में भी आती है, उर्दू में भी आती है, अंग्रेजी में आती है। तो इसमें जयदीप ने, हर्डिकर ने बढ़िया आर्टिकल लिखा है इसके बारे में, उसी आर्टिकल से मैं आपको वो नंबर दे रहा हूं। उसने बात किया किसानों से, शेतकरी से, और फेडरेशन और सीसीआई से, हम इसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए, हम ये डिमांड करना चाहिए कि फूड क्रॉप्स जो है जो हम कर सकते हैं उसके लिए अच्छा एमएसपी बनना है, और वो एक है। दूसरा, नरेगा को बहुत 6-10 गुना बढ़ाना है, अगर जो लोग वापस गया उनको एब्जॉर्ब करना है तो कुछ महीने के लिए एटलीस्ट, इसको जो 30,000-40,000 करोड़ दे रहे हैं वो नरेगा में, वो नहीं चलेगा, नहीं होगा,
it has got to be 6 to 8 or 10 times bigger than it is now, वो program. तो वो दूसरा demand है. तीसरा demand ये आपका होना चाहिए कि इसको जो APMC में कह रहा है कि वो वापस लो, और नहीं तो एक और सेक्टर कृषि में कॉरपोरेट जगत के हाथ में दे रहे हैं. ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट देना. और मैं ये भी डर रहा हूं कि देखो IMD जो इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उनको कहना है कि महाराष्ट्र में मॉनसून बारिश जल्दी आ गया है. आप देख सकते हैं कितना जल्दी आ गया है, पिछले 2 दिन में कुछ बारिश आ रहा है. उससे पहले उतना बड़ा मॉनसून जो कहते हैं ऐसा बारिश मुझको दिख रहा नहीं. और बड़ा प्रॉब्लम होना है कि हम वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स डालेगा तो और बढ़ेगा वो प्रॉब्लम. और देखो जब ये स्थिति जो बना है इसमें लॉकडाउन में, किसान वर्ग को, शेतकरी को बहुत नुकसान पहुंचा. उसका पूरा ट्रांसपोर्टेशन निकल गई, उसका पूरा जब पूरा फसल पड़ा है क्रॉप में खेत में, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं था और सरकार ने कुछ असिस्टेंस नहीं दिया पहले 2 महीने के लिए. 2 महीने के बाद राज्य सरकार ने कुछ मदद किया, उसमें बहुत सारा जो पेरिशेबल फूड क्रॉप है, वाटरमेलन, केला, वो सब उसमें बहुत डैमेज हुआ ना, बहुत नुकसान हुआ शेतकरी को. तो ये एक और प्रॉब्लम है. और इसमें जो काम करते हैं, अगर काम बढ़ाएगा, ये सोचना चाहिए कि कैसा ये सोशल डिस्टेंसिंग जो वो कहते हैं, मैं कहता हूं फिजिकल डिस्टेंसिंग. खेत मजदूर के काम में वो बहुत मुश्किल है. कुछ दिन पहले हमने एक आर्टिकल लिया तेलंगाना नलगोंडा से, पैडी प्रोक्योरमेंट सेंटर से एक स्टोरी लिया हमने, और बहुत सारा फोटो भी है उसके साथ, आप देख लीजिए, आप खुद देख रहा है प्रोक्योरमेंट सेंटर्स में क्या होता है, क्या डिस्टेंसिंग करेंगे. वहां वो 50 लोग था, 48 क्षेत्र मजदूर वहां था प्रोक्योरमेंट सेंटर में, और 4 ग्रुप बनता है वो 48 लोग को, 12 का ग्रुप 4. ये 50 से कम लोग, 48 पीपल, 10 घंटे में 128 क्विंटल पैडी उसको क्लीन करके, बैग में डाल के, स्टिच करके, वे करके, 10 घंटे में करना है 128 टन. और इसका मतलब क्या है कि हर मिनट ये मजदूर 200 से ज्यादा किलोग्राम हैंडल कर रहा है पैडी को. 12 लोग एक झुंड में, आप क्या मास्क लाए डालेंगे. वहां मौसम ऐसा था कि 46 डिग्री सेल्सियस तेलंगाना में. मास्क डालो, वो 2 मिनट में पूरा ढीला हो गया मास्क, आप नहीं पहन सकते. तो ये सोचना चाहिए कि काम खेती कैसा, कृषि कैसा ऑर्गेनाइज करना है. और मैं किसान सभा से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, सरकार ये नहीं करने वाला है, वो उनका ये इंटरेस्ट नहीं है. आप लोग प्लीज सोच लीजिए, हाउ डू वी ऑर्गेनाइज वर्क इन द फील्ड. कुछ तो किसान सभा ने एक स्टडी करना चाहिए सेफ्टी के लिए, लोग सेफ्टी के लिए कैसा कर सकते हैं, क्या मेजर्स, और उसको जो मदद करता है चाहिए वो सरकार से आप डिमांड करो. प्लीज मेक दैट डिमांड, इट इज योर राइट इन दिस क्राइसिस.
यू आर फीडिंग द कंट्री. और आगे देखो, अगर सरकार का एटीट्यूड देखना है भाई साहब, आप सिर्फ ये देखिए, जितना अन्न, जितना फूड ग्रेन केंद्रीय सरकार के पास पड़ा है, आप देखिए अभी लेटेस्ट फिगर जो आया है मेरे पास, हो सकता है कि मेरा थोड़ा डेटेड है फिगर, 82 मिलियन टन. मतलब 820 लाख टन पड़ा है वहां. और बोलता है कि 3 महीने के लिए जो NFSA, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर है, उनको 3 महीने और हम 5 किलोग्राम मुफ्त में देते हैं. 5 किलोग्राम में कितना, कितने दिन आप चल सकते हैं? 5 किलोग्राम में कितना दिन पे चल सकते हैं आदमी? और जो फिजिकल लेबर करना है वो कितना दिन पे चल सकते हैं? और वो 82 मिलियन टन जो पड़ा है उसका प्लान करो. देखो आप सरकार का, अप्रैल 12 या अप्रैल 15 को वो अनाउंस किया कि जो ये 82 मिलियन टन में है, आधा आधा से ज्यादा चावल है, राइस है, और बाकी गेहूं है, ऐसा कुछ फिगर है. कैबिनेट ने अप्रूवल दिया कि ये पैड़ी को लेके, चावल को, राइस को लेके, ये राइस को लेके पता नहीं कितना लाखों टन जो बफर स्टॉक कहते हैं FCI के पास, उसको लेके ग्रेन डिस्टिलरी में देख के इथेनॉल बनाओ फ्यूल के लिए. इथेनॉल, और इथेनॉल क्यों बनना है? हैंड सैनिटाइजर बनने के लिए. और जो शेतकरी और शेत मजदूर दिन में 2 बार हाथ धो सकते हैं अगर पानी है तो, यू आर टेकिंग फूड ग्रेन एंड मेकिंग हैंड सैनिटाइजर. इससे ज्यादा पागल काम मैं सोच नहीं सकता. यू आर डिस्ट्रॉइंग मे बी मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ फूड ग्रेन टू क्रिएट हैंड सैनिटाइजर. तो अब तक मीडिया में एक शब्द नहीं लिखा है कि ये पागल है, एक एडिटोरियल नहीं आया, कोई भी टीवी प्रोग्राम डिस्कशन में कुछ हुआ नहीं. जो भारत का किसान वर्ग, उनका लेबर देखे लाखों 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 टन फूड ग्रेन बनाया, फसल लिया, उसको आप हैंड सैनिटाइजर बनना है, इट इज एब्सोल्युटली. हमारा डिमांड ये भी होना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए, दिस शुड नॉट बी अलाउड, दिस शुड नॉट बी अलाउड. और देखिए, जो हम सब डिस्कशन चल रहा है कि प्रवासी मजदूर, ये आप जानते हैं, ये मार्च 31 को गृह सेक्रेटरी, ये होम सेक्रेटरी और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दोनों स्टेटमेंट दिया ऑन रिकॉर्ड, हिंदुस्तान की सड़क पे अभी एक भी प्रवासी मजदूर नहीं है मार्च 31. अप्रैल 12 को वही लोग जो कहा एक भी मजदूर नहीं है सड़क पे, हाईवे पे, बोल रहा है कि हां अभी 15 लाख दिख रहा है और उसको शेल्टर में डाल रहा है, उसको कैंप में डाल रहा है. ये नहीं कहा कि उसमें 60% से ज्यादा शेल्टर, 60% से ज्यादा शेल्टर एक राज्य में था, वो केरल में. यूपी बिहार में कुछ नहीं था उस समय, कुछ नहीं. फिर जो सरकार, इसने कहा कि
एक भी मजदूर प्रवासी या जो भी है, एक भी मजदूर नहीं है हाईवे पे मार्च 31 को। मई 28 को यह बताया हमारा श्रमिक ट्रेन पे 90 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर गया, और कितने दिन में? मई 1 तारीख और मई 28 तारीख के बीच में। इसका मतलब 90 लाख मई 1 से मई 28 तक गया, तो मार्च 26 से मई 1 तारीख तक कितने लोग गया? इसे आप गेस कर सकते हैं कि कम से कम 2 करोड़ से ज्यादा, बॉटम लाइन 2 करोड़, उसका डबल भी हो सकता है, 2 गुना बड़ा हो सकता है, कि कितने लोग वापस जा रहे हैं गांव पे। अभी आपको सोचना पड़ेगा, इतने सारे लोग वापस आ चुके हैं गांव पे, क्या करेंगे, क्या काम होगा, क्या दिक्कत आने वाला है, क्या प्रॉब्लम्स आने वाला है, बहुत प्रेशर्स आएगा। 2008 में, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 2008 में आप जानते हैं कि वॉल स्ट्रीट कोलैप्स हुआ, तब भी बहुत इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हुआ देश में, पूरा दुनिया में। अभी उस समय लाखों लोग ओडिशा से लाखों मजदूर काम करते हैं गुजरात सूरत पे, पावरलूम पे, डायमंड ट्रेड पे, लेकिन पावरलूम ज्यादा, गारमेंट्स में ज्यादा। वो लोग, लाखों लोग ओडिशा से, ओडिशा में एक जिला गंजाम, वहां से छोटा किसान, खेत मजदूर, वो सब जाएंगे सूरत के लिए वो काम करने के लिए। जब वॉल स्ट्रीट कोलैप्स हो गया, इसका नाम है कैपिटलिज्म, वो ऐसा ही कोलैप्स होता ही रहता है, और वॉल स्ट्रीट कोलैप्स हो गया, पूरा ऑर्डर्स गारमेंट का, पावरलूम का, सब कैंसिल हो गया, लाख अभी हजारों करोड़ का ऑर्डर कैंसिल हो गया, और ये सब बेरोजगार हो गया। उसमें 40,000 मजदूर वापस गया गंजाम में। क्या हुआ गंजाम में? मैं अभी किसान लोग से बात कर रहा हूं, मुझसे आपको अच्छा जानकारी है इसके बारे में, यू नो बेटर देन मी, एक फार्म कैसा चलता है, फार्म खेत को कैसा चलाते हैं इस देश में, हाँ, कैसा मॉडल क्या है। पिताजी खेत पे रहेगा, फार्म पे रहेगा, और बेटे 3-4 वो जाएगा, एक बंबई में टैक्सी लगा रहा है, यूपी से बहुत, देखो कितना किसान शेतकरी है मुंबई में जो टैक्सी चलाते हैं, वाराणसी साइड से आते हैं। मेरा जो रेगुलर टैक्सी ड्राइवर था जब मैं काम कर रहा था अखबार में, सब वो लोग यूपी से आया है, यूपी भैया, वहां खेत था, उसका पिताजी या बड़ा भाई, बड़े भाई, वो कंट्रोल करते हैं खेत को, और ये लोग मुंबई से या चेन्नई से या कोलकाता से या पुणे से पैसा बेचते हैं घर को, रेमिटेंस जो कहते हैं, और उस पे खेती चलाते हैं, और जब फसल आते हैं हर आदमी को एक शेयर मिलता है, औरत को नहीं मिलता है ना, लेकिन इनको मिलता है। अभी सडनली 2008 में गंजाम में 40,000 आदमी आ गया, पहुंच गया गंजाम में, वापस आ गया, एक एक घर में 3-4 एडल्ट पुरुष बैठे हैं बेरोजगार। क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट इतना सीवियर था, झगड़ा हुआ, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हुआ, भाई और भाई के बीच में, भाई और पिताजी के बीच में, क्राइम रेट बढ़ गया, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया। अगर हम जो वापस जा रहा है प्रवासी मजदूर, अगर ये अवॉइड करना है तो उनको काम देना चाहिए, उनको काम मिलना चाहिए,
नौकरी मिलना चाहिए और अच्छा रेट में मिलना चाहिए, प्रॉपर वेज में मिलना चाहिए। और मैं ये भी कह रहा हूं कि सरकार इस खरीफ सीजन में बहुत इंटरवेंशन करना है, व्यापार लोग के हाथ में मत डालो, ये और बढ़ेगा प्रॉब्लम। मैं कह रहा हूं कि जब जो भी एक किसान भी कहता है कि मैं इस खरीफ में फूड क्रॉप डालता हूं, मेरा डिमांड यह है कि उनको बीज वीज सब मुफ्त में दे दो, फ्री में दे दो, लोन पे नहीं, फ्री दे दो, उसका इनपुट उत्पादन लागत उसको फ्री में देना चाहिए, इसलिए कि किसान वर्ग इस देश को फीड कर रहा है। वी हैव टू, इस क्राइसिस में हम उनसे और डिमांड, किसान लोग से कितना डिमांड कर सकते हैं। आई एम सेइंग द इनपुट शुड बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज टू द किसान फॉर द खरीफ क्रॉप वेर एवर इट इज फूड क्रॉप, तो वो आप 1-2 acres पे आप कर लीजिए, आपके परिवार का फूड सिक्योरिटी होगा और थोड़ा और बचाएगा। 1-2 seasons को ऐसा ही होगा और जो 82 million tons फूड ग्रेन जो है वहां आपको नहीं देने वाला है ये सरकार, 5-5 kilograms देंगे आपको, 5 kilograms जिसके पास 820 lakh tons पड़ा है हर आदमी को, और हर आदमी को नहीं, हर जन को नहीं, जो 65-70% तक लोग हैं जो फूड सिक्योरिटी एक्ट पे पड़ता है उनको मिल रहा है। एक और अनाउंसमेंट किया निर्मला सीतारामन जी कि हमने 3 crore जन को हम ये 5 kilograms फूड ग्रेन मुफ्त में देते हैं जिनके पास रेशन कार्ड नहीं है। अरे वो 3 crore उनके पास रेशन कार्ड था, आपने कैंसिल किया पिछले 3 साल में। जिन लोग का रेशन कार्ड आपने कैंसिल किया, अभी आप कह रहे हैं कि आप उनको भी देते हैं, एंड वी आर गिविंग इट टू पीपल विद नो रेशन कार्ड, दे हैव नो रेशन कार्ड बिकॉज यू कैंसल द रेशन कार्ड। मैं कह रहा हूं कि जो हंगर सिचुएशन बढ़ रहा है, एक तरफ 82 million tons पड़ा है, दूसरी तरफ इस देश का सबसे बड़ा हंगर प्रॉब्लम, 40 साल में सबसे बड़ा हंगर प्रॉब्लम पैदा हुआ है। आप रेशन कार्ड, आधार, बीदार सब छोड़ दीजिए प्लीज, हर जन को मिलना चाहिए, यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड होना चाहिए, मुफ्त में होना चाहिए, एवरीबॉडी हु नीड्स फूड ग्रेन, और उसमें होम डिलीवरी भी होना चाहिए जिस एरिया में कंटेनमेंट जोन्स है, जिस एरिया में रेड जोन्स है, जहां गरीब लोग रहते हैं उनको डायरेक्ट डिलीवरी भी होना चाहिए, और वो स्टेट करना चाहिए, वो सरकार करना चाहिए। तो आई थिंक ये और कृषि में जो इन्वेस्टमेंट आता है वो बहुत बढ़ाना चाहिए, स्टेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट नहीं। और ये लोग एक अनाउंसमेंट किया वो पैकेज में कि हमने किसान को लोन्स इतना 1000 crore का लोन दिया, वो पिछले साल से कम था, उस समय वो मार्च अप्रैल के महीने में पिछले साल से भी कम था, और आप लोग को कह रहे हैं कि हम ये भी पैकेज में डाल रहे हैं, वो जो हर साल देने वाला है उसको पैकेज कह रहा है। आने वाला स्थिति तो मैं तो बहुत डरता हूं क्या आ रहा है। इसमें हम लोग सोच के प्रेपरेशन करना है, किसान सभा की तरफ से, इंडिविजुअल शेतकरी से, इंडिविजुअल शेतकरी परिवार से, हमारा पब्लिक से, जो हमारा नेशन फॉर फार्मर्स जो मंच है, हम लोग सब एक होके डिसाइड करना चाहिए कि सरकार से हम सबसे पहले
सबसे पहले क्या चाहिए, क्या क्या हमारा डिमांड है। डिमांड ये है कि आप फ्री इनपुट्स दीजिए खरीफ के लिए। जो राबी का क्रॉप पड़ा है, फसल पड़ा है, वो स्टेट को खरीदना ही चाहिए सही प्राइस पर। तीसरा, जो हम फूड क्रॉप बनाते हैं उसके लिए फ्री इनपुट्स चाहिए, वी हैव टू हैव। चौथा, नरेगा को, मनरेगा को 6 गुना बढ़ा दीजिए, फिर लोग को हम अब्सॉर्ब कर सकते हैं। पांचवा, जो एंटी शेतकरी पॉलिसीज है पिछले 10-15-20-25 साल का, उसका वापस लो। 6 नंबर, जो एपीएमसी में कर रहा है वो सही नहीं है, आप वापस लीजिए इसको। और सबसे, किसानों का जो कर्जा है इस समय, वो कर्जा माफी और ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। यू हैव टू हैव कैंसलेशन ऑफ डेट, नहीं तो वो इससे नहीं बाह सकते हैं, इससे बाहर नहीं आ सकते हैं वो ट्रैप से। और खरीफ वाला ऑपरेशंस में सरकार, जो राज्य सरकार, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी ऑपरेशंस, खरीफ ऑपरेशंस में सपोर्ट देना है, हाथ देना है इनको, किसान वर्ग को, और मजदूर, सब मजदूर और बहुत सारा छोटा किसान वो भी मनरेगा पाते हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट करो। हम लोग ये डिमांड्स ड्राफ्ट करके, देखो 2018 में भी मैंने कहा स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट चाहिए कृषि संकट और अलग दो जुड़ा हुआ मुद्दा उसके साथ, उसके ऊपर एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट चाहिए 3 हफ्ते का। अभी आप देखो इस सरकार को, पूरा दुनिया में पार्लियामेंट, ब्रिटेन में, यूएसए में, बहुत सारा देश में पार्लियामेंट का मीटिंग चल रहा है। कुछ देश में फिजिकल मीटिंग चल रहा है और कुछ देश में जैसा ब्रिटेन में वर्चुअल मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग चल रहा है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ, नथिंग। वेयर इज योर पार्लियामेंट मीटिंग? मैं कह रहा हूं कि अभी ये सिर्फ कृषि संकट नहीं है, कृषि संकट से बहुत आगे बढ़ गई, पूरा सभ्यता का संकट है, पब्लिक हेल्थ का संकट है, ये सब हमको, वी हैव टू हैव कंप्लीटली एक अलग टाइप बजट होना चाहिए, अलग टाइप प्लानिंग होना चाहिए, और हमको पब्लिक हियरिंग्स होना चाहिए, वो पार्लियामेंट को फंक्शन करना चाहिए। जो 20,000 करोड़ मोदी साहब ने रखा, उसका लुटियंस दिल्ली को, उसको अलग करके प्रधानमंत्री को एक ग्रैंड पैलेस बनाना है, महल बनाना है, ये सब कैंसल करो। ये आप एग्रीकल्चर पे कॉन्सेंट्रेट करो, कृषि पे कॉन्सेंट्रेट करो, और ये हमको ये डिमांड्स लेके जाना है आगे। और बहुत सारा डिमांड्स है कि, लेकिन ये इमीडिएटली वी हैव टू वर्क ऑन दिस। और 1 घंटा हो गया, मैं आप लोग से धन्यवाद लेता हूं।